बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों और खुश हों। उम्मीद है आप सब के रोज़े रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटते हुए अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। पालक आलू के पकौड़े बनाने के लिए अमेजात तैयार कर लेंगे। बेसन एक कप डाल के हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून पकौड़ा मसाला, हसबे जायका नमक ऐड कर दूँगी। हल्दी नहीं डालूंगी, पकौड़ा मसाला में पहले ही डाल दी थी। अब मैं अमेजा तैयार कर लूंगी। इस बार रमज़ान में मेरा बेटा ईशाम दिल में ही रोज़े रख रहा है। हम सबको भी इसके बगैर सहर और अफ्तार में रौनक फील नहीं होती और हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं। अब यहाँ मैं नाती की फरमाइश पर स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। इसमें एग और प्याज पहले सोटे कर लिया जाएगा, ये और मज़ेदार बनेगा। लेकिन मेरे बेटे नाती को रोल में एग पसंद नहीं, तो मैं आलू ऐड कर रही हूँ। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब मैं रोल तैयार कर लूँगी। आपको अगर पसंद है तो आप चिकन ऐड कर सकते हैं। रोल फ्राई करने से पहले मैं असर की नमाज अदा करने चली गई थी, आके जब रोल फ्राई किए तो कैमरा ऑफ था। साथ मैंने बिरयानी बना ली है। सब कुछ प्रॉपर नहीं शूट कर सकती, अकेली बंदी जितना शूट कर सकती है इतना ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए स्प्रिंग रोल कितने यमी बने हैं। और अब मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। ज़िंदगी बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज़ के बगैर इस दुनिया में आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और फिर हम हर चीज़ को छोड़ कर बग़ैर किसी चीज़ के रुख्सत हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है अपने आप को बदल लेने का। कोई अच्छी आदत अगर आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो रमज़ान में प्रैक्टिस करें। 30 दिन रमज़ान के और 10 दिन शवाल के, 40 दिन में अच्छी आदत आपके अंदर पुख्ता हो जाएगी अगर आपका इरादा और नीयत पक्की है। एक दूसरे से बूझ ना रखें, ये खैर बरकत के जवाल का बाइस बनता है। ये मैं खजूर और ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक बना रही हूँ। बादाम मैंने दूध में भिगोकर रख दिए थे, छिलका उतार दिया है और साथ ये स्ट्रॉबेरी का जूस बना लिया है। मुझे स्ट्रॉबेरी खाने में बहुत पसंद है। पहला रोज़ा इफ्तार करते हुए खाई थी और गला अभी तक ख़राब है, इसलिए सोचा मिल्क शेक ही बना लेते हैं। ये थी हमारी आज की इफ्तार रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन को याद से प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ और अच्छी बातों के लिए बने रहें मेरे चैनल ईशाम नूर के साथ। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।